वॉक कर रहे हैं यार, आज इन इसमें हर आज इन वॉक ऑफ लाइफ से एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, बिजनेसमैन हों, एवरीवन वॉक टुगेदर, दे वॉक टुगेदर फॉर पीस। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये वन लाइफ अलायंस इनिशिएट किया है जिन्होंने, और मिस्टर रतन टाटा ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव यार, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। गौतम, जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पे अभी भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे गौतम आप अपनी तरफ से? कहूँगा यार कि थैंक यू, आप हमेशा हमें सेफ रखते हैं और हम जैसे आप हमारे लिए खड़े हैं, हम भी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या फील करती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप आज की शाम के बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल पीस वॉक ने, क्योंकि अहिंसा की बहुत ज़रूरत है अभी हमें। तो ये अर्चना कोचन ने भी बहुत ही एक अच्छा चीज़ किया कि अहिंसा सिल्क, जो कि बिना वो वो लार्वा को बिना मारे उनको पहले ही वो रिलीज़ कर देते, ताकि सिल्क एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो नहीं मरते, उनकी जान बच जाती है। तो ऐसे अगर टेक्सटाइल्स हमारे दुनिया में आते रहेंगे तो आई थिंक एनिमल क्रूअल्टी और भी घटा रहेगा। दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड क्या विश करना चाहेंगे पीस की, जो 26/11 अटैक पे जो जवान शहीद और हमारे बॉर्डर पे जो अभी भी हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आएगा? देखिए, लड़ाइयाँ झगड़े और ये जो है ना एकदम अहिंसा के हित है, तो उसके लिए आई थिंक हम सभी को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे NGOs बहुत सारे हमारे इंडिया में हैं, तो जैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि सारे सेलिब्रिटीज़ एक जगह पे वॉक करें। क्यों करें? क्योंकि हम सब सपोर्टिव है, एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब जब एक जगह पे एकजुट होकर सपोर्ट करें तो सोशल मीडिया में जिसका रीच है, लोगों को लगेगा कि हाँ चलिए हम भी इनका साथ देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। और सेलिब्रिटीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह का इनिशिएटिव? फंड रेजर्स जो होता है, जहाँ पे आप अपनी चहेते सेलिब्रिटी को वॉक करके देखते हैं, लोग आते हैं और काफ़ी सारे लोग डोनेशंस डालते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटी, एनी ह्यूमन बीइंग कैन टेक एन इनिशिएटिव। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी अ सेलिब्रिटी टू डू समथिंग लाइक दैट, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो देन यू कैन बिगिन फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव के लिए आप भी यहाँ पे प्रेजेंट, क्या फील करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? सुधांशु, मुझे यहाँ पे आके इस कॉज से जुड़ के बहुत गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे कॉज के साथ जुड़ा हूँ। और ये किसी की जिंदगी के बहुत ही एक डार्क चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और उस इंसिडेंट जो एक हमारी हिस्ट्री का, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर होगा, उसकी वजह से किसी ने ये सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कॉज के साथ जुड़ने में हमेशा बड़ा गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है कि हम ऐसे कॉज के साथ जुड़ें। और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम लोग अर्चना कोचर जी के कपड़े पहन के रैंप पे वॉक कर रहे हैं, और इस वजह को, इस कॉज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। सुधांशु, आपकी तरफ से क्या विश करेंगे जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पर हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या विश करेंगे आप, क्या पीस होगा आपकी तरफ? देखिए, मेरे लिए हम लोग बहुत ही आसान जिंदगियां जीते हैं एक्चुअली, और तो कुछ भी कहना मेरे लिए उनके लिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं किन शब्दों में उनको प्रोत्साहित कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ एक आम जनता के हिसाब से कि मैं अपने, क्योंकि मैं फौजी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स आज की डेट में कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यार वो लोग जो काम करते हैं वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, और शायद उनकी उस पोजीशन की वजह से, उनकी उस जज्बे की वजह से हम लोग आज यहाँ पे इतना सुरक्षित माहौल में ये सब कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी रोज़, हर मिनट, हर सेकेंड दांव पे लगी होती है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि दे आर नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस, एंड मे गॉड कीप देम ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। चलेगा वीक की वजह से ऐसे खड़ा हूँ। थैंक यू ब्रदर। आइए सर। सारा धन गिरेगा वो, इसीलिए आग लगा दी थी इसने तब। अभी वहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर, आप भी यहाँ पर हैं, हमने ब्यूटीफुल रैंप वॉक देखा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं आप आज के इस मौके पर? मुझे पहले तो ये लगा कि इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, कॉज बहुत अच्छा है टू प्रमोट पीस, एंड आई थिंक पीस हर जगह पे होना चाहिए और पीस घर से शुरू होके पड़ोसी के यहाँ तक, प्लस द वर्ल्ड शुड बी पीसफुल, तो कॉज बहुत अच्छा है एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। आई थिंक इट वाज वेरी वेल डन। जो पुराने दोस्त मिले हैं जिनके साथ मैं काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, सो ओवरऑल इट वॉज अ हैप्पी थिंग। एंड आपकी तरफ से क्या विश जाएगा जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं? सी, मैं मैसेज क्या कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि पीसफुल रहे सब कुछ और ऐसी हर चीज़ें ना हो, बेटर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? बट वर्किंग टूवर्ड्स पीस एंड प्रमोटिंग पीस, आई थिंक एक एज एन एक्टर आपको अच्छा मौका मिल जाता है टू टॉक अबाउट इट, तो खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। संस्कृति संस्कृति